वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर लेमा क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों को पता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमारा जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ करके स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, हमारा जो सन है वो वेस्ट में सेट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट थी और उसी स्टेटमेंट का हम लोगों ने यूज़ किया और एक दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया जो कि हमारी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स समझते हैं कि आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स, इसको यूक्लिड्स एक हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पड़ा। और कभी कभी हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी कहलाती है। तो कुछ बुक्स में जो है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखा होता है और कहीं कहीं पर ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लिखी होती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है स्टूडेंट्स, लेट एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर वेयर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को दो इंटीजर दिए गए हैं ए और बी, और कंडीशन क्या दे दी गई है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ए इंटीजर है ये बी से बड़ा है। तो हम लोग जब स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे, जब हम लोग बी को ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्यू मिलेगा क्वेश्चेंट और आर मिलेगा रिमाइंडर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ये हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर हमारा डिवाइडेंड स्टूडेंट्स ए है और डिवाइजर हमारा क्या है बी है, क्वेश्चेंट हमारा क्यू है और रिमाइंडर हमारा क्या है आर है। तो यही तो स्टूडेंट्स हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से पहले से ही पढ़ रखा है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी, लेकिन हमारा जो डिवाइजर है दैट इज़ बी इससे हमेशा छोटी होगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम स्टूडेंट्स क्या है, वेल डिफाइंड पैटर्न बाय विच वी सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब कोई भी स्टूडेंट्स सवाल को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मैनर, एक स्टेप वाइज मैनर हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो हम लोग जो है स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके क्या करते हैं, किन्हीं दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि एल्गोरिदम हमारा क्या है, एक स्टेप वाइज मैनर है जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोगों की पहली स्टेप क्या होती है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो दो नंबर गिवेन होते हैं, सपोज़ कर लीजिए ए और बी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना 38 और 4, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बड़े हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से बड़े होंगे तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। तो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके क्या कर लिया, इसको सेकेंड स्टेप में सॉल्व कर लिया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 38 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 9 प्लस ऑफ 2। तो ये हमारी पहली स्टेप बन जाएगी स्टूडेंट्स की, नहीं बन जाएगी। अब थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है कि इफ़ आर इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर हमारा रिमाइंडर स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, अगर ये जो रिमाइंडर है अगर ये ज़ीरो आ जाता तो ये जो हमारा बी है मतलब ये 4, ये क्या हमारा हो जाता, ये हमारा एस सी एफ हो जाता। यही बोल रहा है, इफ़ आर इक्वल्स टू ज़ीरो देन बी इज़ द एस सी एफ। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो हमारा जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा डिवाइज़र। और जो हमारा डिवाइज़र था फर्स्ट वाली स्टेप के लिए दैट इज़ 4,
ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे और तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारा रिमाइंडर क्या बन गया, ये हमारा सेकंड के लिए बन गया डिवाइज़र, और जो हमारा डिवाइज़र था फर्स्ट वाले स्टेप के लिए ये बन गया डिवाइडेंट। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो टू टू जो आ जाएगा फोर, दैट इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को ज़ीरो मिल गया। तो अब हम लोगों को जब ये ज़ीरो मिल गया है तो हमारा जो डिवाइज़र रहा होगा दैट इज़ टू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोगों को 30 और 45 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बड़े हैं। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 30 वन जा 30, यहाँ पे हमारा 15 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी स्टेप वन क्या हो जाएगी, 45 इक्वल्स टू 30 × 1 + 15। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्टूडेंट्स देखें तो हम लोगों को रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये रिमाइंडर हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और ये जो हमारा डिवाइज़र था फर्स्ट स्टेप के लिए बन जाएगा डिवाइडेंट। तो अगर हम लोग अब देखें स्टूडेंट्स, तो 15 × 2 जा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र था स्टूडेंट्स, यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे 30, 45 का। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस तरीके से हम लोगों को जो है HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग जो है NCERT के एग्जांपल्स को और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।